वेलकम टू मनीष गुरु। आज 6 दिसंबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर है अदार पूनावाला एशियन ऑफ द ईयर नामित किए गए हैं। सिंगापुर के द स्टेट टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को 6 लोगों में एशियंस ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। जिन 5 अन्य लोगों की सूची बनाई गई है उनमें चीनी शोधकर्ता जहांग योंगजैन, मेजर जनरल चेन बेई, डॉक्टर रियुची मोरिशिता जापान के हैं, ओइंग योंग सिंगापुर के और दक्षिण कोरिया के कारोबारी सीओ जुंग जिन हैं। नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन का शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के लिए आधारशिला रखी और उसका भूमि पूजन करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 होगी। गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइंस ने सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना तैयार की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है दांदूपुर स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम हुआ है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब माँ बराही देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष रखा। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर माँ बराही देवी का मंदिर है। नेक्स्ट करंट अफेयर संजना सांगी IMDB की सूची में सबसे ऊपर है। संजना सांगी को 2020 में भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट में IMDB की ब्रेकआउट सितारों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। उनके बाद ईशा तलवार, हर्षिता गौर, स्वस्तिका मुखर्जी और आहना कुमरा थीं। उन्होंने दिल बेचारा में एक प्रमुख भूमिका के साथ शुरुआत की। चीन ने चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया है। चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीनी अंतरिक्ष यान चांगे 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया है। चांगे 5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझाने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। 1960-1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। महाराष्ट्र राज्यपाल ने मोबाइल मेडिकल वैन शुरू की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा के लिए मोबाइल मेडिकल वैन समर्पित की। मोबाइल मेडिकल वैन मुंबई के लगभग 200 स्लम क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और चश्मा प्रदान करेगी और लोगों की आवश्यक सर्जरी की व्यवस्था करेगी।